जैसा कि आपको मालूम है कि कल भी हमने एक दुआ सीखी थी और उम्मीद करती हूँ आप सब ने याद कर ली होगी बहुत वो दुआ थी लेकिन उसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है इसी तरीके से एक बहुत ही मुख्तसर सी दुआ आज आपके सामने आने वाली है और वो दुआ है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम से साबित है आज तो असल में नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है यहाँ पर तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए तो इस दुआ को सीखने से पहले हम इसकी रिवायत पहले सुन लेते हैं समझ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची है इस बिच्छू से जिसने कल रात मुझे काटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू शाम को यह कह लेता आलिमा शरिमा खलक मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के तमाम कलिमात के साथ हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की है तो वो तुझे जर्र ना देता यानी वो तुझे कोई नुकसान नहीं देता इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है तो इससे हमें पता चला कि जितने भी चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं उनके शर से बचने के लिए यह दुआ बहुत मुफीद है बहुत फायदेमंद है और इसको हमें शाम में एक मरतबा जरूर पढ़ना है ये शाम के अस्कार में शामिल है तो इसको आप समझने की कोशिश करिए और इसको इसका तलफ भी हमारा सही होना चाहिए और प्लस इसका तर्जुमा भी हमें याद होना चाहिए तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लफ्ज है आऊजू आउज़ू आउज़ू में आप देख रही हैं कि जब हम इसमें देखिए कि सबसे पहले है हमजा हमजा क्यों कहा हमने अलिफ क्यों नहीं कहा क्योंकि जब अः कोई भी हरकत लग जाती है अलिफ पर जब भी कोई हरकत लग जाती है तब वो अलिफ ना रहकर हमजा कहलाता है है ना तो हमजा जबर आ आइन को आप वाव से मिलाएंगे क्योंकि वाव जो है आगे साकिन है और यहाँ पर क्या है वाव मद्दा तो आइन को हम वाव से मिलाएंगे थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे अ उ हमजा जबर अ आइन वाव पेशऊ आऊपेश पेश, इसमें आप गौर करिएगा कि आइन को खींचना है लेकिन जाल को नहीं खींचना है जाल को जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि जाल पर सिर्फ पेश की हरकत है आगे जाल में वाव मद्दा नहीं जुड़ा है ना अगर वाव मद्दा जुड़ा होता तब हम खींचते लेकिन यहां पर वाव मद्दा नहीं है सिर्फ जाल पर क्या है पेश की हरकत है इसलिए जल्दी से पढ़ेंगे आ उदू। आ उदू। आ उदू। इस तरह से हमजा और आयन में डिफरेंस मालूम होना चाहिए अ आगे है बी कली मिल ही पहले इतना देख है इसलिए बाकी जो हरकत है उसको बारीक कर कर पढ़ेंगे बी का बाजिर बी जबर का बी का जेर ली बी कली बी कली लाम को भी बारीक पढ़ेंगे और इस तरह से ली ऐसा आवाज नहीं आनी चाहिए कि बीका बिकली नहीं बल्कि बीकली बीकली आगे है मीम अलिफ जबर मा मीम को थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि मीम में क्या जुड़ा हुआ है अलिफ मद्दा बीकली मा बीकली मा, बी मा ता को हम आगे लाम से मिलाएंगे जेर की हरकत के साथ ता लाम जेर तिल और यहाँ पर आप देख रही हैं कि अल्लाह है इसको पढ़ने का एक खास फायदा है अल्लाह को पढ़ने का वो आप लोगों को मालूम है तो यहाँ पर लाम जो है आ का वो बारीक पढ़ा जाएगा आ पर ज़ेर ज़ेर की वजह से ता लाम जेर, तिल लाम खड़ा ज़बर ला तिल्ला तिल्ला बिकलिमा तिल्ला हाजिर ही बिकलिमा मिल्ला ही अब इतना तो हम इसको पढ़ेंगे आगे हम देख रहे हैं कि ता है ता पर तशदीद है शद है इसका मतलब है कि हमें अल्लाह की जो हा है उसको हमें ता से मिलाना पड़ेगा हा ताजेर हित हा ताज़ेर हित और शद है इसलिए दो मरतबा पढ़ेंगे ता को फिर अलिफ के साथ भी मिलाकर पढ़ेंगे ता अलिफ जबर ता बिकली मातिला अब आगे देखिए मीम है मीम पर भी क्या है शद है इसका मतलब ता को हम खींचते हुए मीम से मिलाएंगे इस तरह से बिकलिमातिल्लाहिताम और मीम पर आपको मालूम है कि जब तशदीद आ जाती है तब वहां पर फिर गुन्ना होता है ता को हम मीम से मिलाते वक्त गुन्ना करेंगे ठीक है खींचकर मिलाएंगे थोड़ा सा और फिर गुन्ना होगा और फिर मीम को भी हमें थोड़ा सा खींचना होगा क्योंकि मीम में क्या है अलिफ मद्दा जुड़ा हुआ है मीम अलिफ जबर मा मीम अलिफ जबर मा बिकली हिता आगे है ताजिर ती तो इसका मतलब पूरी तरह से अजू बिकली मा आगे देखिए को हम नून से मिलाएंगे मीम नून जेर मिन और जेर है तो बारीक पढ़ेंगे अब देख रही है नून साकिन है और उसके आगे क्या है इकवा में से शीन तो यहाँ पर इकवा होगा है ना यानी नून की आवाज को हम जाहिर करके नहीं पढ़ेंगे बल्कि छुपा कर पढ़ेंगे मेन मेन इस तरह से शीन को रा से मिलाएंगे रा पर शद है और जेर है इसलिए रा बारीक पढ़ी जाएगी शीन रा जबर शर रा जेर री शर री मेन शर री मेन शर, री, शर री, मा खलाका मीम अलिफ जबर मा मीम में आप देख रही है अलिफ मदाह है इसलिए हमने थोड़ा सा खींचा है इसको मीम अलिफ जबर मा मिन शर्रीमा पड़ा जाएगा और कौफ जो है वो भी पुर पड़ा जाएगा सिर्फ लाम बारीक पढ़ा जाएगा खौल कौ ख सबके मखालिज याद रखिये ख लिमा ख और अगर आप आगे ठहरना चाहें वक्फ करना चाहें तो फिर हलक इस तरह से कर लेंगे लेकिन फिर काफ काफ जो है उस पर हम जज़्म लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कलकला में से काफ़ बन जाएगा फिर आवाज लौट कर आएगी हलक ठीक है ना इस तरह से शुरू से पढ़ते हैं अजू अ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ मा मा एक दफा हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं इसका तर्जुमा इस तरह से है मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह के तमाम कलीमात के साथ मैं Allah की हिफाजत चाहती हूँ या मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ अल्लाह के तमाम कलीमात के साथ यानी अल्लाह ताला की तमाम बातों के साथ तमाम इरशादात के साथ हर उस चीज के शर से शर यानी बुराई तकलीफ नुकसान कुछ भी कह सकती हैं आप हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की है तो बहुत ही मुख्तर सा एक जुमला है ये लेकिन इसमें क्या है हमने इतना ज्यादा कुछ अल्लाह ताला से मांग लिया कि अल्लाह ताला जितनी भी चीजें तूने पैदा की हैं और उसमें अगर कुछ शर है तो उसके शर से मैं तेरी हिफाजत चाहती हूँ और जैसा कि हमने हदीस सुनी रिवायत सुनी उसमें किसका किसका आया बिच्छू का जिक्र आया तो इसी तरीके से जितने भी जहरीले जानवर हो सकते हैं या इसके अलावा जो भी चीजें दुनिया में हैं और उसमें अगर शर है तो हमने फिर क्या है उसकी अल्लाह ताला से शर से हमने अल्लाह ताला की हिफाजत तिफाजत ली अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन हमने मांग ली इस दुआ के जरिए तो शाम में एक मरतबा इसको जरूर पढ़ना है हमें इसके अलावा आप कभी भी पढ़ सकती हैं चलते फिरते उठते बैठते बहरहाल शाम के असकार में इसको हम शामिल कर लें और जिन लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है जिनको याद नहीं है वो प्लीज इसको याद कर लें और जो लोग सुनाना चाहें वो सुना सकते हैं